कहां गए? अब देखिए किस तरह से तमाम छोटे छोटे बच्चों के साथ इन्हें बाहर निकाल दिया गया है। रोते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं, आंखों में आंसू देख सकते हैं बच्चों के, और तमाम लोग और कुछ नहीं दे रखा, किस्त भरवा रहा है उल्टा 1800 रुपये भरवा रहा है, 1800 रुपये उल्टा के भरा आके भी अपने मकान बनावा भी। देख सकते हैं सभी के आंखों में आंसू हैं, किस तरह से तमाम महिलाएं अपने बच्चों के लेके, कोई अभी 1 रुपया तक नहीं दिया इन्होंने, सरकार ने कुछ नहीं दिया हमारे को, घर बने भी नहीं, नहीं बने घर, घर भी नहीं बने हमारे। हम यह चाहते हमारे को या तो माजा दे, कुछ कुछ दिया भी नहीं हमारे को, माजा भी नहीं दिया, ऐसे उजारे जा रहे हैं, क्या जाए अपने बच्चों ऊपर सिर पे साया भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, इसके बारे में क्या कह लौटेंगे। देख सकते हैं तमाम महिलाएं यहां पर किस तरह से रोती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनका सामने ही उनके कई सालों पुराने जो छोटे छोटे कमरे हैं वो किस तरह से प्रशासन द्वारा गिराए जा रहे हैं। हुड्डा कब्जा लेना चाहती है क्योंकि ये हुड्डा की जगह है, इस तरह से हुड्डा ने पहले भी कई बार नोटिस जो हैं वो समा दिए। देखिए किस तरह से सामान निकालते हुए, कमरे खाली नहीं थे और फिर यहाँ पर जो टीमें बुलाई गई हैं जो सामान निकालने के लिए वो भी यहाँ पर पहुँची और सामान को बाहर निकाला जा रहा है। ये लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से तमाम तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 वाल्मीकि बस्ती जो है उसकी ये तस्वीरें हैं, और किस तरह से बताया जा रहा है काफ़ी मकान इसी तरह से हैं जिन्हें यहाँ से छोटे छोटे मकानों को तोड़कर यहाँ खाली किया जाना है। मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपको अब तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से जो छोटे छोटे कमरे हैं उन्हें गिराया जाएगा। ये देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, ये लाइव तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 में। ये देखिए अब जो कमरे हैं वो उसे किस तरह से गिराया जाएगा, वो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि चेक करने के लिए कमरों को अधिकारी जो हैं वो आगे की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि अंदर सामान तो नहीं है कुछ, और किस तरह से इन्हें अब यहाँ से ध्वस्त किया जाएगा वो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और भी काफ़ी ऐसे कमरे हैं जो आगे हैं और उन्हें भी खाली किया जाना है आगे की ओर भी। अभी कुछ ही समय में टीमें पड़ेंगी। ये देखिए किस तरह से तमाम घरेलू सामान जो है वो बाहर निकलवा दिया जाता है। अब पीला पंजा आगे बढ़ चुका है और इस कमरों को किस तरह से गिराया जाएगा वो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। अपील आप सभी से इस वीडियो को शेयर करें, और काफ़ी सालों से बताया जा रहा है 50-50 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे थे, हालांकि इन्हें प्लाट ज़रूर दिए गए हैं, 50-50 गज के प्लाट ज़रूर दिए गए हैं, पर इनका कहना है कि वहाँ पर कुछ भी बना नहीं हुआ। अगर हम बनाएंगे तो हमें समय चाहिए, पर अब फिलहाल आज किस तरह से दोबारा कार्रवाई जो है, देखिए किस तरह से जो कर्मचारी हैं हुड्डा के वो सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और देखिए सामान को बाहर निकलवाया जा रहा है। सामान को बाहर निकलवाने के बाद इन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिसकी आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से जो कमरा है उसे ध्वस्त किया जाएगा। ये देख सकते हैं छोटी छोटी कोठियाँ थी जो इन गरीबों की, और देख सकते हैं किस तरह से उन्हें ध्वस्त करने का काम जो है वो हुड्डा विभाग द्वारा किया जा रहा है करनाल के। ये देखिए किस तरह से ये घेरा गया, देखिए ये छोटे छोटे कमरे जो हैं गरीबों ने बनाकर यहाँ पर रहने के लिए बनाए हुए थे और उसे ध्वस्त कर दिया गया। ये लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं हुड्डा की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, और हुड्डा के जो टीमें हैं सुबह से यहाँ पर पहुंचकर ये कार्रवाई करवाती हुई नज़र आ रही हैं। लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं फिलहाल सब पुलिस की तमाम प्रशासन की टीमें मौके पर हैं, और समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है लोगों को। फिलहाल पीला पंजा देख सकते हैं किस तरह से चलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए किस तरह से इन्हें छोटे छोटे कमरों को गिराने का काम जो है वो
इस पीले पिंजरे द्वारा किया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से गिराया जा रहा है, ये लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे उठाकर महिलाएं देख सकते हैं। बाहर सुमिता सिंह पहुंच चुकी हैं, विधायक सुमिता सिंह, पूर्व विधायक सुमिता सिंह मौके पर पहुंच चुकी हैं। देख सकते हैं ये विधायक हैं पूर्व। आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, गरीब आदमियों को अगर आप खाने को रोटी नहीं दे सकते, खाने को घर नहीं दे सकते हैं, पहले इनके घर बसाए जाए, इनको शिफ्ट करा के उसके बाद ये करना चाहिए। बहुत गलत कर रहे हैं। हाई कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, ये बड़ा पुराना पेंडिंग है, कोई नया नहीं है। आप दिखाओ हाई कोर्ट का ऑर्डर, क्या टाइम मिलेगा उसके अंदर, क्या कहा है? ये नहीं कहा कि इनको पहले बसाया जाए, घर दिया जाए, कुछ नहीं मिलवा में देख लो कूड़े पे करो, कुछ नहीं मिलवा जिन्होंने नहीं बने हो जल्दी बने। जिनको घर नहीं मिला वो कहाँ जाएंगे? विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, किस तरह से देख सकते हैं, अगर मकान नहीं दे सकते, देख सकते हैं जिनके नहीं बने घर तोड़ने के ऑर्डर जो है पूर्व विधायक, तोड़ने का ऑर्डर भी नहीं है जी, तोड़ने का ऑर्डर कहाँ पर है? पूर्व विधायक सुमिता सिंह मौके पर पहुंचे हैं और तोड़ने के ऑर्डर पूछते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर प्लाट कटा हुआ है, लो मेरा प्लाट भी नहीं मिला हुआ, फिर भी तोड़ रहे, देख लो जिसके घर में चार तल पर प्लाट हो। झुके के बात नहीं कर रही हूँ मैं, झुकियों की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। आप मॉडल टाउन में किसी का है और नहीं नहीं, आप शिकायत, ये क्या बात हुई शिकायत आती है? ये तो प्रशासन का काम है। आप देखो बड़े बड़े जितने घर है सब लोगों ने सड़कों पे कब्जा करके लॉन बनाए हुए हैं, उनको कोई छेड़ नहीं रहा, गरीब आदमी का घर तोड़ रहे हैं। जो इतने लोगों ने अपने कब्जे कर करके गार्डन बना लिए उसका क्या, वो भी तो कब्जा है ना। बिल्कुल एसडीएम करनाल पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं एसडीएम अनुभव मेहता जो है वो जरूर यहां पर पहुंचे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि जो अमीर घरों के आगे कब्जे किए हुए हैं उन्हें क्यों नहीं हटाया जाता। एसडीएम साहब यहां पर पहुंचे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं एसडीएम साहब मौके पर मौजूद हैं। मैडम जी क्या कहना चाहेंगे? मैडम हमारी मैडम जी स्टेटस रिपोर्ट फाइल, रोड भी ऑलरेडी दे दिए गए हैं, काफी लोग शिफ्ट कर, मेरा इनसे ये अनुरोध है कि ये जल्दी से जल्दी खाली कर दें ताकि हम भी अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट। तो बैठ कर कोई पहले बातचीत नहीं हुई? नहीं, मैं खुद भी आया था, जब 14 मार्च को डेट थी, 15-16 को मैंने विजिट किया। सर जी जो प्रधान से कोई गरीब आदमी से गलती हो जाए ना हमारा ना काम रुकवाया जाएगा। अभी एक बार में बात देख के स्थिति क्या है फिर उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल देख सकते हैं, स्थिति को देख कर जो है आगे का निर्णय जो है वो लिया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं पार्षद हैं गिनी विर्क, वो भी बातचीत करते हुए एसडीएम साहब से नजर आ रहे हैं। मैं आप सभी से अपील करूंगा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारा प्लाट दिया हुआ भी कैंसिल कर दिया है, सर पे आदमी नहीं रहा, आम को नहीं, आम को ना रुकवा दिया, काम रुकवा दिया, काम रुकवा दिया, हमारे को नहीं यही रहना चाहिए हमारे को। जेसीबी मशीन पहुंच चुकी है, जेसीबी मशीन वापसी पहुंचती हुई नजर आ रही है।